सियासत के दांव पे शुरू हो गए हैं 2022 का बेसब्री से हो रहा है इंतजार। नेताओं को कुर्सी की चाह है तो आम जनता साफ सुथरी विकास परक सरकार चाह रही है। सत्ता पर काबिज होने के लिए सीमाएं लांघी जा रही हैं, असंवैधानिक भाषाओं का हमला जारी है, मर्यादा को धूल धूसरित करने बयानों के साथ 2022 के सियासी सफर पर रेस लगाई जा रही है। वोटरों को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं लोक लुभावने वादे, जनता को पिलाई जा रही है घोषणाओं की घुट्टी। कोई दे रहा है छात्राओं को लैपटॉप और मोबाइल, तो कोई बांट रहा है मिठाइयों को लैपटॉप। कमल का फूल खिल रहा है, साइकिल विधानसभाओं में करने लगी है सफर। हाथ का पंजा हाथ के इशारे से कर रहा है विकास का वादा, तो हाथी का भी कुछ नया करने का है इरादा। चुनाव का वक्त आता जा रहा है नजदीक, नेता कर रहे मतदाताओं की तारीफ। सजाया जाने लगा है सियासी अखाड़ा और इसीलिए तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। लखीमपुर की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को अब सजा मिलना तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के बाद सरकार घटना की जांच पूर्व जज की निगरानी में कराने को तैयार हो गई है। यानी सुप्रीम सख्ती के बाद अब लोगों को न्याय की उम्मीद जागी है। क्या होगा फैसला, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। लखीमपुर मामले में आरोपी के बेटे पर किसानों के हत्या का आरोप है और उनके पिता गृह राज्य मंत्री के पद पर आसीन है। यानी एसआईटी जांच पर कोर्ट को भी भरोसा नहीं था, तभी पूर्व जज की निगरानी में घटना की जांच कराने की बात कह रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम सख्ती। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पूर्व जज की निगरानी में होगी जांच। गृह राज्य मंत्री का बेटा है आशीष मिश्रा, मंत्री और उसके बेटे पर दर्ज है मामला। आरोपी बेटे को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। सवालों के घेरे में एसआईटी जांच। हत्यारे बेटे को बचाने में जुटे गृह राज्य मंत्री। मंत्री के रसूख के आगे बेबस जांच अधिकारी। अब जगी न्याय की उम्मीद। लखीमपुर की घटना के बाद से आरोपियों को सजा देने के लिए भले ही राज्य सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया है, लेकिन उस जांच पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है। घटना के बाद से सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार अब सरकार ने पूर्व जज से घटना की जांच कराने की बात स्वीकार की है। घटना के बाद से ही गृह राज्य मंत्री के ऊपर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ। हाँ, उनका बेटा जरूर गिरफ्तार हुआ, लेकिन जांच पर ही सवाल उठने लगा। एसआईटी की टीम में ज्यादा अधिकारी लखीमपुर खीरी के ही हैं। गृह राज्य मंत्री के बेटे का मामला होने की वजह से पीड़ितों को इस जांच पर भरोसा ही नहीं है। इस घटना में बाप और बेटे दोनों ही आरोपी हैं। आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। जो लोकतंत्र में नई परिपाटी बनी है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। इस प्रकार का रवैया उत्तर प्रदेश सरकार अपनाए हुए है, उसका इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। गलत हुआ है उनकी बात और उभर के आएगी और पूरे देश के लोगों को पता चलेगी। तो मुझे लगा कि हाँ, हम चिंतित हैं उनके बारे में और हम घबरा रहे हैं कि वो सुख शांति सेफ्टी है या नहीं। आप महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, कहाँ है सुरक्षित। कल यानी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी लोकार्पण करने जा रहे हैं, इसको लेकर बड़ी राड छिड़ चुकी है। दिखाएंगे, लेकिन रुकेंगे पहले एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं ही अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा आपका स्वागत है। बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने जा रहा है। पीएम मोदी खुद एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे तो वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासी घमासान भी कुछ कम नहीं हो रहा। एक तरफ सत्ता के सिंहासन पर बैठी बीजेपी है तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी। जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा श्रेय योगी सरकार बनाना चाहती है तो वहीं अखिलेश लगातार योगी सरकार पर कटाक्ष करते हुए इस योजना का नाम बदलने का आरोप लगाते चले आ रहे हैं। एक बार फिर अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आपको ले चलते हैं इलेक्शन रूम जहां हमारी सहयोगी आपको बताएंगी एक्सप्रेसवे पर मची रार के बारे में। जी हाँ, बात करते हैं एक्सप्रेसवे के सियासी टूर की। आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर आखिर कौन सियासी टूर कर रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह सपा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी केवल हमारे कामों का केवल नाम बदल रही है और विकास की बात कर रही है। एक नजर डालते हैं एक्सप्रेसवे के सियासी सफर पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश अक्सर कहते रहे हैं कि जो काम हम पहले कर चुके हैं वो काम अब ये कर रहे हैं। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसते हुए ये भी कहा कि बीजेपी का सबसे पसंदीदा काम शौचालय बनाना है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर एक भी शौचालय नहीं है, इसलिए चढ़ने से पहले अपना ख्याल स्वयं रखें। बता दें कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा को परमिशन नहीं मिली। इस पर अखिलेश ने कहा कि मुझे लगता था कि परमिशन दे देंगे कि हम भी समाजवादी सरकार में बनाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चल सकें, लेकिन उद्घाटन के बहाने किसी को चलने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम था, बीजेपी ने नाम बदलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरोप भी लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस क्वालिटी के साथ एक्सप्रेसवे को बनाना चाहिए था उस क्वालिटी से इसे नहीं बनाया गया है। टूरिज्म बढ़ जाए, यहाँ का व्यापार बढ़ जाए, इसको दुनिया से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने किया था। वो एयरपोर्ट समाजवादी सरकार की देन है। कुशीनगर और आसपास के लोगों के लिए सुविधा और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आज ही के बाद उत्तर प्रदेश की एक बड़ी परियोजना का भी उद्घाटन होने जा रहा है, वो भी समाजवादियों की देन है। केवल नाम बदल दिया, ठेकेदार बदल दिए। सोचो जो काम 5 साल पहले समाजवादियों ने कर दिया, सड़क पर हवाई जहाज उतार दिए, लड़ाकू विमान उतार दिए, सोचो 5 साल पीछे चलना है। हमें कहने दो तो वो पिछड़ा कहें, बैकवर्ड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड है। हम बैकवर्ड होकर के भी हम प्रोग्रेसिव हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं। वहीं वो अगड़े होने के बाद भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, सोच से पिछड़े हैं, काम में पिछड़े हैं। इसलिए परिवर्तन होना तय है, परिवर्तन होके रहेगा। बदलाव के लिए किसानों ने ठाना है, बेरोजगारों ने ठाना है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आज भी वही काम कर रहे हैं जिनकी शुरुआत या शिलान्यास सपा की सरकार में हो गया था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया किसी भी काम का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर पाए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जारी सियासी रार आज की नहीं है। 2012 में अखिलेश सरकार ने समाजवादी एक्सप्रेसवे नाम से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया था,
लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई और एक्सप्रेसवे का नाम और काम दोनों पर अपना हक जमा लिया। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जारी घमासान सपा को फायदा पहुंचाता है या बीजेपी को। इलेक्शन डेस्क। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस पर सियासी घमासान सातवें आसमान पर है, बीजेपी और सपा आमने सामने है। आज बात करते हैं कि आखिर क्या है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, क्या खूबियां हैं इसमें, पूर्वांचल के कितने जिलों को विकास और आर्थिक तौर पर फायदा मिलेगा, कितना आधुनिक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और क्यों मची है इसको लेकर रार। आइए देखते हैं। योगी सरकार के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने जा रहा है। 16 नवंबर को पीएम मोदी सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लोकार्पित करेंगे। चुनाव से ठीक पहले सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात होगी। लखनऊ से गाजीपुर तक बने एक्सप्रेसवे का बलिया तक विस्तार भी होना है। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए भाजपा पूर्वांचल के 28 जिलों की 150 से ज्यादा विधानसभाओं को साधने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर, अनुमानित लागत 23,349 करोड़ रुपए। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों का विकास सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ेगा। पूर्वांचल के 28 जिलों पर एक्सप्रेसवे का असर, 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की नजर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत करीब 23,349 करोड़ रुपए है। योगी सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर और अयोध्या के अलावा आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है। एक्सप्रेसवे के एक ओर 3.75 मीटर सर्विस लेन, मेन कैरिज वे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवर ब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास, लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान के लिए सुल्तानपुर में हवाई पट्टी का निर्माण, 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी। एक्सप्रेसवे के एक ओर 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाई गई है। इससे परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को एक्सप्रेसवे पर सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत मेन कैरिज वे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास निर्मित किए गए हैं। लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान के लिए सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो शुरू से रुचि रही है, उस दृष्टि से हम सब आभारी हैं कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया था और आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नवंबर में प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन होने जा रहा है। एक अद्भुत क्षण होगा। गाजीपुर से लखनऊ की दूरी या वाराणसी से लखनऊ की दूरी आज तक लगने वाला आज जो समय लग रहा है इससे आधी हो जाएगी। इसी प्रकार से इस एक्सप्रेसवे के प्रारंभ होने पर हम यहाँ पर लगभग 7 से 8 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अनइमेजिनेबली क्लोज हो गया है। गाजीपुर से लखनऊ आने में लगभग 6 घंटे से ज्यादा लगता था, अब 3.5 घंटे में मात्र जो है आप गाजीपुर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। 8 लेन यानी 6 लेन का एक्सप्रेसवे अभी बना है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर जो है, ब्रिज जो है, जितने भी कलवर्ट्स हैं वो सब 8 लेन के बने हैं। तो अगर कभी भी इसको 8 लेन में कन्वर्ट होना होगा तो केवल सड़क बनाने की आवश्यकता होगी, स्ट्रक्चर्स को चेंज करने की नहीं। 4 जो बड़ी ऑयल की कंपनीज हैं उनको अलग अलग
पेट्रोल पंप को दे दिया है, इंडियन ऑयल को, भारत पेट्रोलियम को और रिलायंस पेट्रोलियम को और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, इन सबको जो है अलग अलग स्थानों पर पेट्रोल पंप भी आवंटित है और शीघ्र वो भी शुरू हो जाएंगे। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए आपने आज अगर कोई गए होंगे तो खुद ही देखा होगा कि इस पूरी सड़क पर जो है अब 112 स्थापित कर दी गई है और इस एक्सप्रेसवे पर जैसे आगरा एक्सप्रेसवे पर शुरू किया गया पुलिस चौकियां भी शुरू करी जाएंगी, यहां पर भी पुलिस चौकी की जाएगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जहां भी पुलिस चौकी या जहां भी स्थानों पर जो पुलिस चौकी बनेंगे वहां हेलीपैड भी बनाया जाए, तो ये भी आज एक आदेश मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसको भी काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक गर्म मुद्दा साबित हो रहा है जिसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में रार छिड़ चुकी है। फिलहाल मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो जाएगा जिसका पूरा पूरा श्रेय बीजेपी ने उठाया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है और इस दौरान नैनीताल में उनके घर में आग भी लगा दी गई। क्या है पूरा मामला दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर लगातार विवादों में घिरे हुए हैं और इन्हीं विवादों के चलते आज उनके नैनीताल स्थित आवास पर अज्ञात लोगों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इसके बाद सियासत तेज हो गई है। जहां एक ओर सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी। क्या है पूरा मामला दिखाते हैं आपको। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई। इस घटना की जानकारी कांग्रेस नेता ने फेसबुक पर साझा की और कहा जा रहा है कि उपद्रवियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था और वे सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे। फेसबुक पर घटना की तस्वीरें शेयर करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि क्या मैं अभी भी गलत हूँ, क्या ये हिंदुत्व हो सकता है। वहीं घटना के बाद मीडिया से बातचीत में खुर्शीद ने कहा कि मुझे हिंदू धर्म पर गर्व है, आगजनी की घटना ने साबित कर दिया कि मैं सही था, ऐसे लोगों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये हमला मुझ पे नहीं हिंदू धर्म पर है, मेरी पार्टी ने मेरी बातों का समर्थन किया है और पार्टी आलाकमान ने मेरी बातों को सही कहा है, मेरे दरवाजे खुले हैं, जो भी आए बात कर सकता है। खुला रख रहा था, आइए हम बैठे हैं बात करें, एक कप चाय पीजिए हमसे बात करिए। तो वो उस दरवाजे पे ये दस्तक करके गए हैं, आग से दस्तक करके गए हैं, हम तो सिर्फ बात करना चाहते थे। मैं अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, ये डर की बात नहीं है, किसी से डरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा संदेश मेरी किताब का था कि आओ हम लोग मिल जाएं, जो हुआ है जो होता रहा है उसको भूल जाएं, हम लोग एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट कर जाएं। बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर विवादों में हैं। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हराम से की और हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक बताया। सलमान खुर्शीद के घर पर हुई आगजनी और पत्थरबाजी की घटना के बाद हालांकि नैनीताल पुलिस ने राकेश कपिल और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन अभी तक सियासी राजनीति में गर्माहट बनी है। अब देखना यह होगा कि ये गर्माहट किस स्तर तक जाएगी।
चुनावी अखाड़ा में फिलहाल आज इतना ही, कल फिर 9:30 बजे रात में हाजिर होते हैं ऐसी ही सियासत से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। खबरों का सारथी सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला।